स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सरकार और किस सोशल मीडिया द्वारा घोटाले से बचाओ अभियान शुरू किया गया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी आईबीएम, सी गूगल, डी मेटा। आंसर डी मेटा। एक्सप्लेनेशन, सरकार और मेटा द्वारा घोटालों से बचाओ अभियान शुरू किया गया है। ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है। मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी, गृह मंत्रालय एमएचए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एमआईबी और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आईआरसी के सहयोग से शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डी ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेनेशन, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली प्रजातियां पाई गई हैं। 27 से 29 सितंबर तक पहली बार तितली संरक्षण बैठक 2024 आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 40 तितली प्रेमियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला? ए अनुराग कश्यप, बी राजकुमार हिरानी, सी अक्षय कुमार, डी यश चोपड़ा। आंसर बी राजकुमार हिरानी। एक्सप्लेनेशन, लोकप्रिय फिल्म निर्माता एवं निर्देशक राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश के खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजकुमार हिरानी को ये पुरस्कार दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने राजकुमार हिरानी को शौर्य श्रीफल और 5,00,000 रुपए का चेक सम्मान स्वरूप प्रदान किया। ये पुरस्कार उन्हें पटकथा लेखन के लिए दिया गया है। बता दें कि किशोर कुमार सम्मान पाने वाले राजकुमार हिरानी 27वें शख्स हैं। अगला प्रश्न, झारखंड मेगा सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ए 1,500 रुपए, बी 2,000 रुपए, सी 2,500 रुपए, डी 3,500 रुपए। आंसर सी 2,500 रुपए। एक्सप्लेनेशन, झारखंड सरकार ने मेगा सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। झारखंड मेगा सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। ये दिसंबर 2024 से योजना के 50,00,000 लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना से राज्य के बजट पर 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। आंसर डी 60। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण बुकिंग की नई समय सीमा 1 नवंबर से लागू होगी। इस कदम से रेल टिकटों में 4 महीने पहले, खास तौर पर छुट्टियों के मौसम में पैसे फंसने से रोका जा सकेगा। अप्रैल 1981 के बाद से ये 13वीं बार होगा जब भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में ARP बुकिंग की समय सीमा में बदलाव किया है। चिकित्सा आपूर्ति के रूप में मानवीय सहायता भारत ने किस देश को भेजी है? ए ब्राजील, बी इराक, सी लेबनन, डी चीन। आंसर सी लेबनन। एक्सप्लेनेशन, भारत ने 18 अक्टूबर को लेबनन को दवाइयों सहित 33 टन मानवीय सहायता भेजी। ये सहायता ऐसे समय में भेजी गई है जब इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रही है। इस खेप में विभिन्न प्रकार की दवाएं शामिल हैं, जिनमें हृदय संबंधी दवाएं, NSAID नॉन स्टेराइल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, सूजन रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स दवाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ए कुलदीप यादव, बी टिम साउदी, सी जसप्रीत बुमराह, डी कगिसो रबादा। आंसर डी कगिसो रबादा। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबादा ने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कगिसो रबादा ने जब अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया तब उन्होंने 11,817 बॉल फेंकी थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था। उन्होंने 12,602 बॉल पर ये कारनामा किया था।
अगला प्रश्न, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी असम। आंसर ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना की सुदर्शन कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास में लगभग 1800 सैनिक 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है। अगला प्रश्न, सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना को कब तक बढ़ाया है? ए मार्च 2025, बी मार्च 2026, सी मार्च 2027, डी मार्च 2028। आंसर बी मार्च 2026। एक्सप्लेनेशन, समर्थ वस्त्र मंत्रालय का एक मान संचालित और रोजगार उन्मुख वृहद कौशल कार्यक्रम है। समर्थ योजना को 3,00,000 लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2 साल वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए और बढ़ा दिया गया है। योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग को प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना है। अगला प्रश्न, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, बी बीजिंग चीन, सी कजान रूस, डी नई दिल्ली भारत। आंसर सी कजान रूस। एक्सप्लेनेशन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान रूस में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता उपस्थित थे। ब्रिक्स अब $60 ट्रिलियन की GDP और 37.4% वैश्विक सकल उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे G7 से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इस बढ़ते संगठन की भूमिका आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है और भारत की इसमें भागीदारी इसे और मजबूत कर रही है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए कोलंबिया, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी चीन। आंसर ए कोलंबिया। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 21 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में शुरू हो गया है, जहां लगभग 200 देश वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का आकलन करेंगे। हर 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने के लिए निवेश पर सहमत होना और वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों को मजबूती देना है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ए अम्फान, बी दाना, सी फानी, डी वायु। आंसर बी दाना। एक्सप्लेनेशन, बंगाल की खाड़ी में दाना नाम का भीषण चक्रवाती तूफान ताकतवर होता जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके 24-25 अक्टूबर की रात भितरकनिका और भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की उम्मीद है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार दाना का नाम कतर द्वारा सुझाया गया था। इसका अर्थ है सबसे सही आकार का, मूल्यवान और सुंदर मोती। अगला प्रश्न, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स 2024 ने लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाने की भारत की पहल को स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA एक बहुदेशीय गठबंधन है, जिसका मकसद दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता और उनके आवासों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ए सिंधु जल संधि, बी लाहौर घोषणा, सी वाघा सीमा समझौता, डी श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। आंसर डी श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। एक्सप्लेनेशन, भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित मूल समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब की वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ए टोरंटो, बी मेलबर्न, सी
ग्लासगो। डी लंदन। आंसर सी ग्लासगो। एक्सप्लेनेशन, खेलों का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेजबानी से पीछे हटने के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो को इसकी मेजबानी सौंपी गई थी। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है।